नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं नीट लेवल का रिवीजन मैकेनिक्स का। इस कड़ी में ऑलरेडी बातें अपन कर चुके हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन। आइए आगे बढ़ते हैं और दो बेहतरीन किस्म के चैप्टर अभी हमारे को रिवाइज करने हैं, उसके बाद और आगे बातें करनी है मैकेनिक्स के। वो है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ये वो चैप्टर है जिसमें पक्का मतलब नीट में हर साल जो है 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं आपको, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कोलिजंस के सवाल या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस तरह की बातें आपको हर साल नीट में देखने को मिलती है। तो दोनों ही चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी कि रोटेशनल मोशन। तो पहले अपन बातें करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो आइए खेला स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। दोनों चैप्टर से खूब सवाल आते हैं, इसलिए अपन इनकी बहुत प्रैक्टिस करें। लोग बोलते हैं टफ है, लोग बोलते हैं ऐसे चंपक, लोग बोलते हैं जिनसे बिल्कुल मतलब जिनको समझ में नहीं आता, आप वैसे बच्चे नहीं है, टफ होते हैं, टफ सवाल बनाए जा सकते हैं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। पर हाँ, आपके नीट एग्जाम में बहुत आसान किस्म के सवाल आते हैं। जब मैं आसान बोल रहा हूं इसका मतलब सही में आसान आते हैं, सही में आसान, अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो, फॉर्मूले अगर आपको याद हो, तो आप 1 मिनट के अंदर उस सवाल के अंजाम तक पहुंच सकते हैं और OMR में बबल फिल कर सकते हैं। हाँ, सवाल उतना आता है, यानी कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। कई पिछले 2-3 सालों से ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादातर सवाल जो है वो थ्योरेटिकल के आसपास ही आते हैं, कोई हैवी कैलकुलेशन वाला पार्ट आता ही नहीं है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से थ्योरी समझी हुई होती है, फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं, मैं बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया अगर आपको फॉर्मूला याद होगा सेंटर ऑफ मास का किसी पर्टिकुलर चीज का, या फिर आपको फॉर्मूला याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो फिर वो एग्जाम में तुरंत उसको लगाएंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम की डिमांड ही यही है, तुरंत आंसर तक पहुंचना। आइए खेला स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से आपको शायद बुक्स में ना मिले, किसी बुक्स में ना मिले तो मिल सकता है आपको COM, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, यानी कि सेंटर ऑफ मास की बातें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होती है। फिर लास्ट में जाते जाते अपन बातें करते हैं टक्कर की, कोलिजन्स की बातें होती है, वेरिएबल मास की बातें भी इसी चैप्टर में अपन करते। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब जने अपन सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसकी इंपोर्टेंस से, यानी कि क्या है सेंटर ऑफ मास और क्या है, कितना इंपोर्टेंट है, क्या है इसकी इंपोर्टेंस, यानी कि कितना इंपोर्टेंट है। पहला क्या इंपोर्टेंट है कि भैया नीट में सवाल आते हैं, भैया 2 से 3 सवाल आपको इस चैप्टर से आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की जानकारी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो सबको पता था, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ है वो बोलता है F = dP/dt, लेकिन अगर किसी सिस्टम में मान लीजिए कि M1 है, मान लीजिए M2 है, मान लीजिए M3 है, और इन तीनों को कॉम्प्रोमाइज मतलब इन तीनों को कंबाइन करके मैं अगर बोलूं मेरे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम का मास टोटल क्या होगा, M1, M2 एंड M3 का सम होगा कि नहीं होगा यार। अब अगर मैं ध्यान से बोलूं, मैं ये बोलूं कि इस सिस्टम का मास कांस्टेंट है, तो dP/dt की बजाय P को अगर आप M into V डालेंगे तो dM/dt 0 हो जाएगा। तो वहां से अपन अगर M कांस्टेंट यानी dM/dt 0 है, तो क्या अपन ये नहीं बोलेंगे कि F = m into a। अब अगर आप ध्यान से देखें, माना कि इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a2 वेक्टर है, या है ना, इसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए a3 वेक्टर है, तो भाई साहब कौन सा इस पूरे सिस्टम में जब आप F net = m into a लगाएंगे तो a कौन से वाले पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका नेट फोर्स जो आता है F, वो आता है m into acceleration of center of mass
और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ये आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं है। m1 a1 m1 a1 m2 a2 plus m3 a3 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 plus m3 से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टोटल मास, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल मास m1 plus m2 plus m3। तो ये बात समझ में आ गई, अच्छा f इक्वल टू ma में a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई, समझ में आ गया। अगर अपन ध्यान से देखें, तो एक चीज होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी भाई साहब, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। वहां पे वी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है कि इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज होती है। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है मान लो v2 वेक्टर, है ना, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v3 वेक्टर। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ मास टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, या फिर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m3 v3 का स्क्वायर। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास की रफ्तार की जरूरत नहीं होती है। खैर अपन आगे जाके और डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है पी होता है, अगर आपको याद हो लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू होती है मास टोटल इनटू वेलोसिटी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं v1 लूं कि v2 लूं कि v3 लूं, यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। वो किसकी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अपन कैसे लिखते हैं, m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 plus m3। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अच्छा एक बार समझिए, p इज इक्वल टू m इंटू v, में v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो ना v1 होगी ना v2 होगी, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास को अपन जब कॉम्प्लेक्स टाइप की मोशन होती है, जैसे एक टायर है जिसकी मोशन को स्टडी करना है, वो आगे भी चल रहा है और वो घूम रहा है, यानी वो कैसी मोशन कर रहा है, CTR कर रहा है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, यानी दोनों एक साथ कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इस तरह की मोशन की स्टडी करनी काफी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है एक आदमी की हेल्प लेके, वो है चीटा। उसको हाथ में दे दीजिए जियो फोन और उसको बिठा देते हैं अपन कहां पे, COM पे, उसको कहां बिठा देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, और उससे फोन करके पूछते हैं तुम देखो वहां से क्या सा दिखाई दे रहा है और तुम्हारा क्या हो रहा है, वो हम ग्राउंड से देख लेते हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं तो अपन CTR यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की स्टडी बहुत आसानी से कर पाते हैं, जो कि अपन कहां पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के एंड में अपन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की बातें करेंगे। रोलिंग के नाम से आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। अच्छा तो अपने को क्या बातें समझ में आ गई कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब पढ़ना सेंटर ऑफ मास का। पहला ये कि भाई साहब 2 से 3 सवाल आते हैं कहा नीट में, एफ इज इक्वल टू एम एम ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि ऐसे निकाली जा सकती है p इज इक्वल टू m इंटू वी में v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m इज द टोटल, और कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की स्टडी करने में भी सेंटर ऑफ मास हमारे लिए बहुत काम आता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओ हो, तो हमें फिर सेंटर ऑफ मास पता करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो सेंटर ऑफ मास अपन पता करते हैं सवालों के अंदर दो तरीके से। पहला होता है अपन पार्टिकल सिस्टम, कैसा वाला सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल के लिए बड़ी आसानी से हम सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं, COM फॉर पार्टिकल सिस्टम, COM फॉर पार्टिकल सिस्टम्स, ऐसा सिस्टम जिसमें सारे के सारे मास कैसे हो, पार्टिकल साइज के, यानी जीरो साइज के। अच्छा उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, मैंने कहा अब मैं डेरिवेशन में जाने वाला नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और यहाँ m2 है इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो हमने RCOM निकाला था, हमारे लिए RCOM क्या आ गया था, m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही मतलब आसान सी बात है ये आपके लिए।
आर वन एंड आर टू क्या है, पोजिशन वेक्टर है। अगर मुझे एक्स सी ओ एम चाहिए होगा तो एक्स सी एम मेरे लिए क्या हो जाएगा, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई मैंने कहा एम वन प्लस एम टू। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो हो 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 हो, ये तो बहुत ही आसान सी बातें कर रहा है मास्टर। मैंने कहा हाँ इसमें कोई, मान लीजिए कि मेरे पास दो पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, यहाँ पे एक पार्टिकल है इसका मास m2 है और दोनों के बीच का फासला r है, बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इनका, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा कि नहीं होगा। होगा भाई साहब, मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे है मेरा सेंटर ऑफ मास, ये वाली दूरी मान लीजिए R1 है, ये वाली दूरी क्या है R2 है। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो आपने ये साबित किया होगा इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके लिए 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे R, 0। अगर आप ध्यान से देखें तो R1 की वैल्यू आपके लिए क्या आती है एम टू आर डिवाइडेड बाई आर वन प्लस R2। सिमिलरली अगर आप R2 निकालेंगे तो R माइनस R1 कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके लिए M1 R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 प्लस R2 नहीं M1 प्लस M2, M1 प्लस M1 प्लस M2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको M2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको M1 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, M1 R1 is equal to M2 R2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो मतलब कोई भी ऐसा लल्लू पल्लू सवाल बोले, ये यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, बीच की दूरी दी हुई है ना, ये पार्टिकल का मास कैपिटल M है, ये पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो क्या बता पाएंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मैंने कहा हाँ सेंटर ऑफ मास किसके पास में होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास में होगा, जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके पास में होगा। ये तो बहुत आसान सी बात हुई भाई साहब, बहुत ही आसान सी बात हुई। मैंने कहा आसानी तो बातें हैं, सारी आसानी बातें हैं, ओहो हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है, क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है, कैसे कैसे पता करेंगे क्या सेम होती है। अच्छा कहां लेते हैं हम लोग mg, कहां लगाते हैं mg इज द वेट, कहां लगाते हैं भाई साहब बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या mg हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ही लिया जाता है। मैंने कहा नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है सही निकाला जाएगा, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास निकाला है जैसे COG, वो आपके लिए x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3, मान लो तीन पार्टिकल हैं, डिवाइडेड बाई मैंने कहा w1 w2 w3। w1 को क्या लिख सकता हूं मैं m1 g1 x1 प्लस m2 g2 x2 m3 g3 x3 डिवाइडेड बाई मैंने कहा भैया m1 g1 प्लस m2 g2 प्लस m3 g3 यही होगा। अगर सौभाग्य से तीनों पार्टिकल पास पास में रखे हुए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पास पास में तीन पार्टिकल रखे हुए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जी में थोड़ी वेरिएशन होगा, जी में अगर कोई वेरिएशन नहीं होगा, अगर अगर जी वन इज इक्वल टू जी टू इज इक्वल टू जी थ्री हो गया है जो कि जी के बराबर हो गया है, ओ तो आप मुझे बताइए कि जी यहां से कॉमन आके मर जाएगा क्या। मैंने कहा हाँ, क्या आ जाएगा एम वन एक्स वन इफ इफ जी इज कॉन्स्टेंट जी इज सेम, सारे पार्टिकल के लिए जी क्या हो सेम हो, तो ये एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो सेंटर ऑफ मास के बराबर ही हो गया, यानी कि अगर आप XCOG निकालने गए थे लेकिन वो तो XUM के बराबर ही आ गया। मैंने कहा हाँ, इसीलिए यूजुअली हम सेंटर ऑफ मास पे ही MG मानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे पार्टिकल पे G समान होता है। लेकिन अगर मैं कल को बोलूं कि मेरे पास एक बहुत लंबी रॉड है,
बहुत लंबी रॉड है, इसको वर्टिकली रख दिया, मान लो इसकी लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर, तब आप मुझे बताइए कि ये पॉइंट पे जी और ये, या 15 किलोमीटर मान लीजिए, ये पॉइंट का जी और ये पॉइंट का जी सेम होगा क्या? मैंने कहा नहीं, जी ऊपर की तरफ, अगर वर्टिकल में रख दिया रॉड को ऐसे ही तो ऊपर की तरफ जी कम होता है। हाँ, तो अगर इस बॉडी का सेंटर जो होगा वो आपका सेंटर ऑफ मास, तो यहां इसके सेंटर पे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो नीचे होगा थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स पे जी ज्यादा लग रहा होगा, वेट उनका ज्यादा होगा, ऊपर वाले पार्टिकल का वेट कम होगा। आप जानते हैं जी हाइट के साथ भी कम होता है, डेप्थ के साथ भी कम होता है, जी का वेरिएशन कहां पड़ता है? ग्रेविटेशनल नामक चैप्टर में। मास्टर आपको आसान भाषा में क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होते, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास के बराबर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम जी का वेरिएशन नेग्लेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में सब पार्टिकल के लिए जी कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट के लिए तो सी निकाला, अब ऐसे रद्दी सवाल आते हैं पॉइंट वाले, ये मैं करवाने वाला नहीं हूं, पहले मैंने थ्योरी थ्योरी बताऊंगा, नेक्स्ट वाले मैं सवाल करवाऊंगा, लेकिन ये सवाल कतई नहीं करवाऊंगा कि एक स्क्वायर एक ऐसे ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ पे मास एम रखा हुआ है, यहाँ पे मास एम रखा हुआ है, यहाँ पे मास एम रखा हुआ, साइड एल है, ओहो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, माना कि ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी बता देगा बे चंपकलाल, 0.0 मान लो कि ओरिजिन यहां मान लिया है, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एल कॉमा जीरो हुआ कि नहीं हुआ यार, ये बताइए, बता जरा ध्यान से बताइए, एक्स का एल बाई टू हो गया और ये एंगल है आपका 60 डिग्री, सामने वाली दूरी हो जाएगी एल साइन 60 डिग्री, यानी कि एल रूट 3/2। ले भाई साहब सबके कोऑर्डिनेट पता लग गए, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या, ट्रायंगल की जगह स्क्वायर हुआ, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, कुछ भी हुआ तू कर लेगा, अरे यहाँ की नहीं यार। और अपन जानते हैं कि इस पूरे आइटम को अपन इसके सेंटर ऑफ मास पे 3m को रख दीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट होगा आपका x, y, यानी कि तमाम मास को अपन कहां मान सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि सेंटर ऑफ मास वो वाला बिंदु है जहां पे पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेट करके माना जा सकता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। सवाल ये उठता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हुआ, खूब सारे पॉइंट हुए, यानी कि रॉड हो गई है, सर्कल हो गया है ना, मतलब रिंग हो गई या डिस्क होगी, उस केस में अपन कैसे करते हैं? हमने कर रखा है, जस्ट अपन रिवाइज करा रहे हैं, COM फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, COM फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। आप जरा ध्यान से पहले देखिए, माना कि आपको एक यूनिफॉर्म क्या दिया है, यूनिफॉर्म जरा ध्यान से देखिए, मान लो कि आपको यूनिफॉर्म रॉड दिया टक से, ओहो, एक रिंग दिया यूनिफॉर्म, ओहो, एक डिस्क दिया, ओहो, ये रिंग है, लाला ये क्या है, डिस्क है, ओह, मान लो कि आपको स्फीयर दिया, कैसा वाला, हॉलो स्फीयर दिया, डिस्क दिया, रिंग दिया, सब कैसे हैं, रॉड दिया, सब यूनिफॉर्म है। अच्छा सॉलिड स्फीयर दे दिया, मान लो कि क्या दिया आपको, सॉलिड स्फीयर दे दिया, सब कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। एक बात बताइए, इन सब का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कोई भी अंधा आदमी बोल देगा इसके सेंटर पे, यानी L/2 पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, क्योंकि यहां पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही इनका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इनका अच्छा भाई साहब, ये तो सबको ही जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या रिवाइज करवा रहे हैं इनका। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, जस्ट आपको एक बार बता दिया कि ये भी इतना आसान भी बनाया जा सकता है, सवाल पूछ ले आपको, रॉड एक यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहां है, पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वेवलेंथ, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ये सब ऑप्शन थे, ऐसा सवाल पूछा गया है, नीच में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि ये वाली रॉड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं थी, इसकी डेंसिटी वेरी कर रही थी। मान लीजिए कि ये वाली जो रॉड है हमारे पास, यहाँ पे एक रॉड है, मान लीजिए कि इसकी डेंसिटी, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, रॉड की लेंथ एल है, और इसका जो लीनियर डेंसिटी है मान लीजिए कि वो लैम्डा नॉट एक्स केजी पर मीटर, एक्स जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो उसका
कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है, वो अलोंग एक्स एक्सिस रखी हुई है, ये आपकी रॉड। आपसे बोला जाए कि रॉड का लीनियर मास डेंसिटी जो है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स है, बताइए यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। तो कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास जहां पे चीजें यूनिफॉर्म नहीं होती है? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से एक दूरी पे जाते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसका पता करते हैं, और फिर ऐसे तमाम छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट आइटम्स के सम को सिग्मा बोलते हैं, जो कि जीरो से इंफिनिटी तक जाता है, और वही सिग्मा आपका सांप बन जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो एक्स दूरी पे जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, इसका मास होगा dm, और ये मैं बता सकता हूं क्योंकि यूनिट लेंथ का मास आपका लैम्डा नॉट एक्स है, तो यहां पे dx लेंथ का हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स dx, है ना? अच्छा, यहां ओरिजिन है, ये एक पॉइंट वहां से क्या, मैंने कहा हाँ, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या, मैंने कहा एक्स कॉमा जीरो। ओ, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सम कर देंगे तो क्या पूरी रॉड बन जाएगी? मैंने कहा हाँ। यानी डीएम इंटो, यानी कि मुझे अगर एक्स चाहिए, मुझे अगर मेरे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया है एक्स, जैसे एम वन एक्स वन करते हैं ठीक, वैसे डीएम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया है एक्स डीएम हो गया। ऐसे खूब सारों का सम कर दीजिए, ऐसे इनफाइनाइट होंगे, उनका सम ही बेसिकली साफ बन गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। सिमिलरली अगर मुझे वाई सी एम चाहिए होता है तो मैं करता हूं वाई डीएम डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन, जेड सी एम चाहिए तो लल्ला जेड डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि डीएम का इंटीग्रेशन। आसान भाषा में अगर बात बोले तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मास सिस्टम का डेरिवेशन करने में हमें इन सब फॉर्मुलों की जरूरत पड़ती है, टफ आ जाए सवाल, टफ आ जाए डरने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि एक्स वाई एंड जेड आर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट डीएम मास, और डीएम क्या है, जो एलिमेंट लिया है उसका मास है डीएम, और एलिमेंट कैसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं जिसको इंटीग्रेट करने पे वो आइटम बन जाए। अरे आप ही नहीं यार, एलिमेंट ऐसा लिया जाता है जिससे कि वैसे तमाम एलिमेंट्स को जोड़ते जाएं तो जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाए। वैसे तो एलिमेंट लेते हैं यार ऐसे मन की मर्जी से, नहीं कि नहीं हम तो यहाँ पे रॉड लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे ट्रेपेजियम लेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी लेंगे, वैसे मन से लेने वाला एलिमेंट अपन लेते नहीं है, ऐसा लेते हैं सिमेट्रिकल जिसे कि इंटीग्रेशन करने पे वो आइटम बन जाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इस पर्टिकुलर आइटम का सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, एक्स यू एम इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, डीएम मास हो गया है, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट भी एक्स ही है, यानी कि एक्स इंटू आपका डीएम लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, यानी कि डीएम का लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। लैम्डा नॉट को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, लिमिट जीरो से एल, जीरो से एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, अपर लिमिट डाल दीजिए एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर बाई टू। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो टू एल बाई थ्री जो है, वो आपके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो एल बाई टू से इधर है, क्योंकि इधर की साइड में मास जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी आपका एक्स के साथ बढ़ रहा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर हमने ये फॉर्मूले यूज किए थे, फिर हमने जब आपने पढ़ा होगा तब अपने बहुत पेशेंस के साथ डेरिवेशन किए थे, है ना? क्या डेरिवेशन किए थे हमने, डेरिवेशन किए थे कि सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं अलग अलग आइटम का। अगर आपको याद हो तो हमने हाफ रिंग का निकाला था, हाफ डिस्क का निकाला था, अच्छा हमने कोई भी रेंडम एंगल वाली रिंग का, डिस्क का, है ना? फिर मैंने कहा होलो स्फीयर का, हेमी होलो स्फीयर का क्या सेंटर ऑफ मास, फिर होलो या सॉलिड हेमी स्फीयर का, मैंने कहा हाँ, कोन का, ट्राइंगुलर प्लेट का, इन सब का सेंटर ऑफ मास का बाइज्जत एलिमेंट लेके एक एक दो दो मेथड से इंटीग्रेट करके निकाला था। एग्जाम में क्या वो निकालेंगे, मैंने कहा नहीं, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको पहले से याद होना चाहिए कि भैया
होलो स्फीयर है, हेमी होलो स्फीयर है, सेंट्रोमास आर बाई टू पी दूरी पे होगी, हाफ रिंग या टू आर बट्टा पाई पे होगा, रिंग अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी। तो अगर आपको याद हो, हमने वैसे ट्रिक व्रिक भी बहुत सारी मार्केट में ऐसे अवेलेबल है, जैसे एच आर ऋतिक रोशन श्री देवी सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, आप अलग अलग तरीके से बहुत सारी ट्रिक मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको सहूलियत लगे वैसे बना सकते हैं। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी देओल जो भी है ना, जो भी आप चाहें, जैसे भी आपको याद करना हो, टक 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 4 3 2 2 3 4 याद करना है, तो ये है आपका पाई, ये है 3 पाई, यहां पे 8, यहां पे आर, ट्रायंगल प्लेट h/3, कोन h/4 है ना। ये है आपका कोन, कौन है कोन है भाई साहब, कोन का होता है आपका h/4 पे, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट में बेस से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, हाइट में h/3 पे होगा, ओके। ये क्या है, ये है आपका होलो हेमी स्फीयर r/2 पे। ये क्या है, ये आपका हाफ रिंग है। हाफ रिंग का कितना होता है 2r/π। ये क्या है भाई साहब 3r/8, क्या है 3r/8 है आपका सॉलिड हेमी स्फीयर है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये क्या है, ये है आपका हाफ डिस्क में कितना होता है 4r/3π। अच्छा भाई साहब रिंग के केस में अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने, जरूरी तो नहीं है हाफ ही आपको पूछा जाए रिंग या किसी और का भी, अगर मैं बोल दूंगी एक रिंग है मेरे पास ऐसी और जिसके बीच का ये एंगल है मेरे लिए 2α, क्या है 2α, COM कहीं यहाँ पे होगा, ये बीच की डी के बारे में भी अपन ने बात की थी है ना, ये बीच का एंगल मेरे लिए 2α जो है अल्फा वहां पे क्या है रेडियन में है, तो डी हमारे लिए आता है r sin α/α। आर यहाँ पे क्या है रेडियस है इसका, रेडियस ये आपके लिए 2α वाली रिंग है, उसमें r sin α/α। यही अगर आपका क्या हो जाए भाई साहब, ऐसा पिज्जा का पार्ट हो जाए, क्या हो जाए पिज्जा का पार्ट हो जाए, ये ऐसा सेक्टर हो जाए, मान लो कि ये सेक्टर है किसका डिस्क का है ना, हमने हाफ का पता किया, मान लो 120 डिग्री एंगल दिया जाए, हमने 180 का किया है, वो आपको क्वार्टर का पार्ट दे गया 190 डिग्री का, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ये वाली दूरी आपके लिए कितनी आती है डी, अगर ये बीच का एंगल क्या है आपके लिए 2α, बीच का एंगल 2α है, तो हमने ये पता किया था कि डी की वैल्यू आती है 2/3, बाकी आगे ये सेम ही आता है r sin α/α, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन, टोटल एंगल है 2α यानी 90 है, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, और 45 मत लिख देना यहाँ पे, π/4 लिखना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद होना चाहिए ट्रिक, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, कोन का h/4 पे बेस से, ट्रायंगुलर प्लेट का h/3 पे, होलो स्फीयर का r/2 पे सेंटर से, हाफ रिंग का 4r/π पे, सॉलिड स्फीयर का 3r/8 पे, एंड हाफ डिस्क का 4r/3π की दूरी पे होता है। ये सारी दूरियां कहां से है, सेंटर से है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ओहो, फिर अपन ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में आगे बढ़े थे, हमने कुछ कैविटी के सवाल सॉल्व किए थे, नीचे में उतना ज्यादा मतलब टफ डिफिकल्ट सवाल आता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कैविटी में पूछ ले, मान लो कि भाई कैविटी बना के पूछ ले कि बताइए अब सेंटर ऑफ मास कहां है, जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ मास की बातें कर रहे हैं अभी अपन, जैसे मान लो कि आपको पूछ ले कि भैया एक 2r रेडियस वाली रोटी थी, क्या थी 2r रेडियस वाली रोटी थी, उसमें से r रेडियस वाली रोटी यहां पे निकाल दी गई है, बचा खुचा ये आइटम क्या है, ये आइटम अपना क्या बच गया है, बचा खुचा आइटम है। ओ हो, ये कार्यक्रम कितना लंबा है, मैंने कहा 2r है, सेंटर ऑफ मास पहले कहां हुआ करता था, मैंने कहा यहां पे हुआ करता था,
अब आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ गया है, सेंटर ऑफ मास कितना पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो भाई साहब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, अब यहां पे आ जाएगा। माना कि ये वाली दूरी x, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली आपके लिए क्या है y एक्सिस है। अगर आपने कैविटी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सीखनी है या आपको पहले मतलब जो है नहीं देखी है तो जो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में, उसमें जाके आप कैविटी प्रॉब्लम को देखिएगा, लेक्चर नंबर आगे से देख लीजिए, जहां पे भी आपको तीसरे चौथे में या दूसरे तीसरे में जहां भी मिले बहुत डेप्थ में दो तीन सवाल किए गए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट की बात क्या थी कि मान लीजिए कि ये भरा हो, मान लीजिए कि ये भरा होता तो इसका मास m1 होता, ये मास क्या है m2 है। अच्छा मास किसमें फैला हुआ है, ये डिस्क है भाई साहब, क्या क्या है डिस्क है, मान लो डिस्क मान लेंगे तो लैम्डा सिग्मा या रो, तो यहां पे आप सिग्मा लेंगे क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के अलोंग है। अच्छा तो अगर ये भरा होता तो इसका मास होता सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर, है ना, और बचा कुचा क्या है, मैंने कहा टोटल मास होता, टोटल टोटल आप इसका एरिया होता पाई आर स्क्वायर, और टोटल का क्या होता पाई आर स्क्वायर और आर की जगह टू आर, तो फोर पाई आर स्क्वायर होता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बचा वाला एरिया जो है वो सिग्मा इंटू थ्री पाई आर स्क्वायर है, क्या बोलते हो। अगर मान लीजिए कि इसका मास m होता तो इसका मास 3m होता और ये पूरी डिस्क होती, अगर ये पूरी डिस्क होती ऐसी जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस अगर 2r होता तो इसका मास कितना होता 3m प्लस m यानी कि 4m का ये मास होता और सेंटर ऑफ मास कहां होता जीरो होता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि 3m मास है, इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट x को y हमें पता करने हैं, इसमें अगर m1 मास ऐड कर दिया जाता, इसमें अगर m1 मास यानी ये मतलब आपका 3m मास और ये का m1 मास वो खुद ही क्या है m है, इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने कहा मान लो कि ये होता, मान लीजिए कि ये होता क्या होता, ये कैविटी भरी हुई होती इतना ही पार्ट होता तो सेंटर ऑफ मास कहां होता, मैंने कहा यहां होता, कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं आपके लिए r कॉमा जीरो। अबे ये वाली दो दूरी क्या है r है, ये तो एक डिस्क है, डिस्क का कहां होता है यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास के ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि c पे होगा, यानी कि यहां पे होगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके लिए r कॉमा जीरो। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पूरा भर ये इसके हमें पता करने हैं x कॉमा वाई तो ये पूरा ये नहीं बन जाता, ये प्लस ये, मैंने कहा हाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ होता जीरो कॉमा जीरो पे, अगर मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया है, ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिया है फिर सेंटर ऑफ मास आपका जीरो कॉमा जीरो पे होता। मैंने कहा अच्छा भाई साहब अब मेरे लिए वाई तो जीरो आएगा, एक्स अगर प्राप्त करना है तो मैं बोलूंगा भाई साहब की थ्री एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू आर, 3m into x plus m into r divided by total mass है 4m और ये वैल्यू आनी चाहिए थी जीरो का, इको कि भैया ये अगर पूरा डिस्क ऐसा होता तो सेंटर ऑफ मास आपका जीरो पे होता, x कॉमा y दोनों ही जीरो होते। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x आपके लिए आ रहा है कितना आ रहा है माइनस ऑफ r बटा 3, अरे भाई साहब 3mx इक्वल टू माइनस ऑफ एम आर, एम एम कट गया है, एक्स की वैल्यू माइनस आर बाई थ्री, यानी कि ये जो बचा कुछ आइटम होगा, ये जो बचा कुछ आइटम होगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे होगा r बाई थ्री की दूरी पे शिफ्ट हो गया। कुल मिला के ऐसे कैविटी प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के होते हैं लेकिन आपके लिए वो कोई भी बहुत टफ नहीं है। अरे हाँ की नहीं यार, दोबारा आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ r बाई थ्री इंटू आपका क्या हो जाएगा 3m है ना, तो माइनस ऑफ mr आ जाएगा और फिर mr ऐड होगी वो जीरो आ जाएगा क्या, और y कोऑर्डिनेट तो वैसे भी सिमेट्री है तो y कोऑर्डिनेट तो कुछ आने वाला नहीं है, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही होगा। अच्छा कैविटी प्रॉब्लम, तो इस कैविटी प्रॉब्लम के साथ फिर अपना खेला खत्म हो जाता है किसका, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन का, है ना, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन का खेला खत्म हो जाता है। खूब सारे सवाल इसपे बनाए जा सकते हैं, बहुत ही इजी। आप कहां सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तमाम प्रीवियस ईयर के सवाल और बुकलेट जो आपको दी गई है कहां पे किसके लिए रिवीजन के लिए, उस पूरी बुकलेट को सॉल्व कर डालिए और जो बुकलेट आपने पहले सॉल्व की है यानी कि आपकी क्वेश्चन बैंक और जो आपको ऑफलाइन जब पढ़ रहे थे तब मिला था उस बुकलेट को पूरा सॉल्व कीजिए, जो आपको लेक्चर्स में
वो सवाल करवाए गए हैं, जब थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी उन सारे सवालों को भी आप दोबारा एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा भाई साहब। अच्छा तो यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें की स्टार्टिंग मतलब होती है सेंटर ऑफ मास, क्या होता है समझ में आ गया कि अच्छा ये वो वाली जगह होती है जहां पे किसी सिस्टम के मास को कॉन्सेंट्रेट मान के खेला खेला जा सकता है, बहुत काम आता है। F is equal to mm, A is the acceleration of center of mass, A is the acceleration of center of mass, P is equal to m into V, में V is the velocity of center of mass, समझ में आता है बहुत सारी बातें, सेंटर ऑफ मास बहुत काम आता है। अच्छा भाई साहब सेंटर ऑफ मास पे जरा ध्यान से देखिए, ये आइटम है, ये आइटम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहेगा ही नहीं रहेगा ही, कहीं अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, कहीं यहाँ पे, फिर मैं ऐसे रख दूं ना डर सेंटर ऑफ मास पे ऐसे रख दूंगा तब ये रुक जाएगा, कहीं मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाए इसका, टक 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 टक, क्यों, क्योंकि एम जी कहां से पास हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा होगा, मिल नहीं रहा है ना, बहुत देखो अब सेंटर ऑफ मास मान लो मिल जाए, सेंटर ऑफ मास पे एमजी लगेगा और यहीं पे मैंने ऐसे सपोर्ट भी दे दिया तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एमजी अबाउट जीरो आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का हमारी आम जिंदगी में बहुत बहुत उपयोग है, ये तो अपन समझ गए, और बाकी सवालों में हमारा बहुत उपयोग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें और करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें क्या है, जिसमें क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए एम वन है और ये एम टू है और ये है आपका एम थ्री, माना कि ये जो सिस्टम है हमारा इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी फोर्स लगेगा मैंने कहा नेट फोर्स मेरे लिए आने वाला है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे लिए हो जाएगी एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अच्छा मान लीजिए कि भैया एफ नेट जीरो है, मान लीजिए कि एफ नेट जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि m इंटू ए सी यू एम जीरो है, इसका मतलब क्या है कि m टोटल तो जीरो होगा नहीं, ये क्या होगा, ये तो m टोटल है। अगर एफ नेट जीरो हो, अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो की कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो कोई जरूरी नहीं है, क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्योंकि भैया डी वी सी एम बाई डी टी ही बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ इसमें जीरो भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ तो सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में रहेगा या फिर मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या तो रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कौन, सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा अच्छा तो एक बात बताइए फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में कमेंट करो ना यार, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कि एफ नेट जीरो है, मान लीजिए कि एफ नेट जीरो है, इसकी रफ्तार वी वन है, इसकी रफ्तार वी टू है और इसकी रफ्तार मान लीजिए वी थ्री है, अच्छा ऐसे मान लीजिए रफ्तार है सबकी, आप बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं 1/2 मास टोटल वी सी ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट, क्या ये बात सत्य है, आप बोलेंगे साहब इतना पढ़ चुके हैं अभी अभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, दो होती है, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपके लिए हो जाएगा 1/2 एम वन वी वन का स्क्वायर 1/2 एम टू वी टू का स्क्वायर 1/2 एम थ्री वी थ्री का स्क्वायर, ना कि मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो वो भी कांस्टेंट आती, लेकिन ये कांस्टेंट आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है। अच्छा वी सी एम खुद ही क्या है, वी सी एम है एम वन वी वन प्लस मैंने कहा एम टू वी टू प्लस मैंने कहा एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री जो। अच्छा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वैल्यू चेंज हो जाए और ये कॉन्स्टेंट आ जाए, मैंने कहा हो सकता है भाई एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री जो है डिवाइडेड बाई ये वैल्यू तो कॉन्स्टेंट आएगी, उसमें अगर आप वी वन वी टू को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल चेंज हो सकती। अच्छा
तो क्या बगैर एक्सटर्नल फोर्स लगे भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है? इनका बिल्कुल हो सकती है। जरा ध्यान से देखें, ये मास m1 है यहाँ पे, यहाँ मास m2 है, ये दोनों मास को मैंने एकदम मेरे हाथ में पकड़े हुए थे यहाँ पे रखे हुए और दोनों को मैंने छोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों के बीच में प्रेम लग रहा होगा, नेट फोर्स अगर इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल अगर कोई कुछ और नहीं होगा तो एक दूसरे से मिलने के लिए भाग जाएंगे और इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक एक बॉम्ब रखा हुआ है धरातल पे जो अपने आप फट जाएगा, अपने आप फट जाएगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी दोनों पार्टिकल्स में, लेकिन नेट फोर्स वहां पे भी क्या लगा है? जीरो लगा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओ हो 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 हो, तो बगैर एक्सटर्नल फोर्स लगे भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है? मैंने कहा हाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, VCM कांस्टेंट रहेगा। क्या V1 V2 V3 चेंज हो सकता है? मैंने कहा हाँ, V1 V2 V3 भी चेंज हो सकते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अब आप मुझे बताइए पी का क्या होगा? पी का क्या होगा? पी इज इक्वल टू एम टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी आपका कांस्टेंट आएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पी क्या रहेगा? पी कांस्टेंट रहेगा। पी कांस्टेंट रहने का मतलब पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। उन सारे सवालों में जिसमें सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो हो जाए, उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओ हो 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 हो, मतलब ये कि भाई साहब पी जो भी होगा उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, मान लीजिए एफ नेट जीरो है, अगर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो क्या इसका मतलब ये है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि COM इज एट रेस्ट? क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास क्या रेस्ट पे रहेगा? अगर एफ नेट जीरो है तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मूव भी कर सकता है, वो मूव भी कर सकता है। अच्छा, कैसे? मैंने कहा भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कुछ और कांस्टेंट भी हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, अगर मान लीजिए कि लीनियर मोमेंटम, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है, तो क्या मैं पक्का बोल दूं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा? मैंने कहा पक्का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो बोल दिया, इसका मतलब ये तो हमेशा कांस्टेंट होगी, इसका मतलब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। अच्छा, लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी? कोई जरूरी नहीं है, कुछ कांस्टेंट हो सकती है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म रफ्तार से चल रहा हो। अच्छा, तो ऐसे कुछ 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 सवाल बनाए जाते हैं, कुछ कुछ सवाल यहां से इसकी थ्योरी के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, ऐसा हो कि यार मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अच्छा, फिर अपन सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले टाइप के सवाल आते हैं, मान लो कि आपके पास यहाँ पे कोई आइटम है, या आपके पास प्लांक बोल देगा, या आपको बॉट बोल देगा, ऐसा कुछ है, दो लोग बैठे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सवाल। मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूं, मान लीजिए कि मैंने इसको एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे एक प्लांक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक प्लांक रखा हुआ है, इसका मास मान लीजिए क्या है? 20 kg है। क्या है? 20 kg है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें आप खड़े हैं और ये सरफेस यहाँ पे स्मूथ है, आप और सर ये प्लांक के बीच में फ्रिक्शन है, मान लीजिए आपका मास 50 kg है और आप जो है पॉइंट ए पे खड़े हैं इस एक्सट्रीम एंड से, ये एक्सट्रीम पॉइंट बी है, लंबाई मान लीजिए इस प्लांक की कितनी है? 10 मीटर है। आप मान लीजिए इफ द आप यानी कि जो 50 किलो के हैं वो पॉइंट ए से वन एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बताइए कि ये आइटम कितना मूव किया होगा? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां से यहां जाना होता, अगर ये आइटम रुका हुआ होता यानी फिक्स होता जो आपका 20 kg का है, तो आपको कितना चलना पड़ता? आपको चलना पड़ता 10 मीटर। लेकिन अब 10 मीटर नहीं चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, कितना चलना पड़ेगा? मैंने कहा अगर आप इधर जाएंगे तो प्लांक पीछे की तरफ जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा अगर आप t = 0 पे जब आप स्टार्ट करना देख रहे थे, इसकी रफ्तार क्या थी? जीरो। इसकी रफ्तार क्या थी? जीरो। m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुई, मैंने कहा जीरो। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या हमेशा हमेशा VCOM क्या रहेगा, VCOM जीरो रहेगा, VCOM क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर VCOM जीरो रहेगा तो एक मुझे चीज बताइए कि XCOM आपके लिए होता है M1 X1 M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर आपको याद हो तो अपन इसका दोनों साइड डिफरेंशिएट करके डेल्टा लें तो डेल्टा XCOM इज इक्वल टू M1 डेल्टा X1 M2 डेल्टा X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अरे आगे नहीं यार, ऐसे सवाल आते हैं ना, पार्टिकल ए को 2 मीटर उधर कर दिया, पार्टिकल बी को कितना किधर करें कि सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाए, अरे यार है ना। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले जीरो थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी, और हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा तो डेल्टा XCOM जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि M1 डेल्टा X1 और +M2 डेल्टा X2 क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि अगर M1 डेल्टा X1 इधर की तरफ मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि M2 डेल्टा X2 है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ बात करें तो M1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा X2, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं पे रहेगा। ये मान लो कि M1 था, यहां M2 था, तो अगर ये M1 जो है वो इधर की तरफ डेल्टा X1 गया है, ये इधर की तरफ डेल्टा X2 गया है, तो M1 डेल्टा X1 मस्ट बी इक्वल टू M2 डेल्टा X2 जो कि सेंटर ऑफ मास यहां से कहीं नहीं गया है, है ना। सेंटर ऑफ मास यहां से कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत रद्दी सवाल यहां पूछा जाता है कि देखिए जरा ध्यान से, एक आइटम यहां पे है, एक आइटम यहां पे है, ओहो यहां आपका सेंटर ऑफ मास है ना। मान लीजिए कि ये आपका आइटम 2 kg का है, ये आइटम आपका 3 kg का है ना भाई साहब, ओहो। मान लीजिए जो भी आपका बीच में दूरी आएगा, बीच का दूरी दिया हुआ है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, बोल देंगे इन दोनों को रिलीज कर दिया तो ये आएंगे, इन दोनों क्या किया, एक सवाल में ऐसी एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, 2 kg 3 kg इनको मान लीजिए कुछ दूरी पे रख दिया है। मान लीजिए कि ये वाली दूरी क्या है, मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो R1 क्या आएगा बताइए, R1 के लिए मास क्या लूंगा मैं, 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया है, 5 × 10, यानी कि क्या आ गया है, 6 मीटर आपका R1 आ गया, यानी कि ये होगा 6 मीटर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 4 मीटर, है ना। M1 R1 must be equal to M2 R2 2 × 6 12 4 × 3 12। ओके, अब सवाल क्या पूछते, पता रद्दी सवाल बताओ, M1 यहां पे था, M2 यहां पे था, दोनों को रिलीज कर दिया, बताओ कहां मिलेंगे, अबे सेंटर ऑफ मास पे आके मिलेंगे साले, क्यों, क्योंकि दोनों को रिलीज किया तो इनिशियल स्पीड क्या थी, जीरो, तो और दोनों अपने म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहे होंगे दोनों अपने, तो कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर वो टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो थी तो हमेशा जीरो रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, मतलब दोनों आइटम खुपाक से सेंटर ऑफ मास पे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा ओके, बोल रहे हैं जब ये आके सेंटर ऑफ मास पे आ रहे होंगे तब सेंटर ऑफ मास की रफ्तार होगी क्या होगी। मैंने कहा भैया सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जीरो थी, भले ये कहीं कैसे ही आते हो, नाचते हुए आओ, कुछ भी आओ, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार अभी भी जीरो होगी। हाँ, V1 जीरो नहीं होगा, V2 जीरो नहीं होगा, लेकिन 2 × V1 जो है वो 3 × V2 के बराबर होगा। पी इन्हीं से लगे जीरो था तो पी फाइनल भी जीरो ही रहेगा हमेशा, अरे यार, है ना। ताकि मतलब वेक्टर सम जो है पी का आपका जीरो आएगा, क्योंकि पहले भी टोटल पी आपका जीरो था। ऐसे रद्दी सवाल है, और बोले इनको रिलीज कर दिया, जब ये लोग सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाएंगे तब सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, अबे जीरो जीरो भैया जीरो, M1 E1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 जो है वो बेसिकली आपका जीरो हो जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह का सवाल ये भी है, ये भाई साहब जो है यहाँ पे खड़े हैं और ये यहाँ पे खड़े हैं, ये जब चलना स्टार्ट हुए थे तब उनकी खुद की रफ्तार जीरो थी और इनकी रफ्तार जीरो थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि ये आइटम स्मूथ है, तो मतलब ये है कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है। अब मैं एक सवाल बता रहा हूं, मैं एक सवाल बताऊंगा, कल को बहुत वैरायटी के सवाल उसमें बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो रुका हुआ था और उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिफॉर्म रफ्तार से चल भी सकता है। लेकिन सवाल में इस तरह का सवाल हो, मान लो कि यहाँ पे जैसे ये आइटम दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे रफ्तार जीरो, इनसे रफ्तार जीरो, सेंटर मास की रफ्तार जीरो, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्शन फोर्स नहीं है, सेंटर मास मूव करने वाला नहीं है। ओ हो, माना कि ये भाई साहब इधर से, सवाल ऐसा है कि ये रामू है, अपना रामू है, इफ रामू वांट टू मूव फ्रॉम द वन एंड ऑफ द प्लांक टू अदर एंड ऑफ द प्लांक, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द प्लांक विल मूव। अबे अगर प्लांक वहां रुका होता तो भैया को यहां से यहां जाने में कितना चलना पड़ता, 10 मीटर चलना पड़ता। लेकिन अब भैया उधर की तरफ जाएंगे तो प्लांक को उधर जाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। माना कि प्लांक गया इधर की तरफ, भैया को ये प्लांक रुका होता ना तो चलना पड़ता 10 मीटर, लेकिन अभी अगर ये 10 - x चल लेंगे ना तो बी पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 मीटर तो तब चलना होता जब बी रुका हुआ, अब तो एक्स बी सामने आ गया ना यार, एक्स मीटर बी सामने आ गया, कितना चलना पड़ा 10 - 1। अब जरा ध्यान से देखो, M1 डेल्टा X1 मस्ट बी इक्वल टू M2 डेल्टा X2। इधर की तरफ कौन गया है? प्लांक गया है, कितना मास है? 20 है। ये कितना गया है? X गया है भाई साहब, और ये 50 kg वाला आइटम हमारे लिए उधर की तरफ कितना गया है? 10 - x। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, 2x = 50 - 5x, x की वैल्यू क्या हो गई है? 50/7 मीटर, 50/7 मीटर, इतना ये प्लांक वहां आ जाएगा, है ना, मतलब ये कितना हो गया, 7-8 मीटर, 7 मीटर, 7 point something जो है वो इधर आ जाएगा। भैया को थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा क्योंकि भैया जो है उनका मास ज्यादा है ना, वो अगर M1 किया तो भैया M1 अगर ज्यादा है तो फिर डेल्टा X1 कम जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये M2 कम है तो इनका डेल्टा X2 ज्यादा होना चाहिए, कुल मिला के M1 डेल्टा X1 इजिकल टू M2 डेल्टा X2 होना चाहिए। अरे ये तब, अब अगर मान लो कि ये पूरा सिस्टम पहले ये भैया प्लस ये जो प्लांक है वो मान लो कि ये 10 m/s की रफ्तार से उधर जा रहे होते तो क्या ये लगा पाते? मैंने कहा नहीं, फिर सेंट्रो मास उधर की तरफ गया होता, ये आपस में भले ही यहां से यहां तक आ जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास फिर 10 मीटर से इसको यहां से आने में जो टाइम लगा है, मान लो टी टाइम लगा है 10 × t, इतना आगे की तरफ सेंटर ऑफ मास पहुंच गया होगा, क्योंकि भैया तब जो है भले ही एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो लेकिन जो वेलोसिटी इनिशियल में थी सेंटर ऑफ मास की वही रहेगी। लेकिन अगर जीरो हो तो फिर M1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू M2। अब आप देख जरा, मैंने यहाँ पे प्लांक रखा है ना, सवालों में यहाँ पे बोट हो सकती है, सवालों में यहाँ पे क्या हो सकती है? बोट हो सकती है, बोट रख देगा भाई साहब। मैं वैसे सवाल करवाने वाला नहीं हूँ, खूब सारे सवाल जो है पहले करवाए गए हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये प्लांक था, कल को आपको एग्जाम्पल के लिए क्या रख देगा, यहाँ पे बोट रख देगा, क्या रख देगा? बोट रख देगा। थोड़ा टिपिकल टाइप का सवाल की बात कर रहे हैं, बोट पे यहाँ पे राम खड़ा हो जाएगा, ये पानी पे है, बोट कहाँ पे खड़ी है? पानी पे। अब यहाँ पे नॉन विस्कस फ्लूइड लेके मतलब फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं आएगा, मान लो कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, दोनों के मध्य का फासला है 10 मीटर, दोनों का मास दिया, बोट का मास दिया, बताओ कि दोनों मिलना चाहते हैं कहाँ पे? बीच पे, मतलब बोट के बीच पे, बीच पे नहीं। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ये बना दो, वो बना दो, प्लांक रख दो, वेज पे ब्लॉक रख दो, रिंग के अंदर एक और ब्लॉक रख दो, कैसे खूब सवाल बनाए जा सकते हैं। जो मुद्दे की बात है हमारे लिए वो ये है भैया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगा? जब उस डायरेक्शन में कोई एक्शनल फोर्स नहीं हो। अच्छा, तो डेल्टा एक्सियम भी जीरो आएगा कब? जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो? जीरो। अच्छा, अपने ऐसे रद्दी सवाल आते, एक भाई साहब खड़े हैं, वो आइस पे खड़े हैं, वो हर तरफ आइस ही आइस है, वो कहीं फ्रिक्शन ही नहीं है, उनको लेफ्ट में मूव करना है, क्या करें? अबे राइट में बैग फेंक दें, है ना, सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, पहले सेंटर ऑफ मास कहां था? उन्हीं दोनों पे था, बैग प्लस आत्मा का। फिर अगर आपको आत्मा को लेफ्ट में जाना है तो राइट में बैग फेंकना है ताकि सेंटर ऑफ मास यही जाएगा। आप M1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा X2, अरे भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बहुत आसान है, इसमें खूब सवाल बनाया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट करना होता तो बीच में क्या लगा देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व कराई जा सकती है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व करवाते हैं और अच्छे सवाल यहाँ पे बनाए जाते हैं। आप बोले तो एक सवाल अपन बना लेते हैं या एकाध सवाल देख लेते हैं ऐसा, फिर नेक्स्ट टाइम से अपन और बहुत अलग टाइप की बातें करेंगे। यहाँ पे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मान लो कि एक अच्छा सवाल हम बना लेते हैं, मान लो कि कुछ ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है, मान लो कि
कि मैं आपको बोलूं, मान लो कि मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि हमने क्या किया है, मान लो कि मैं आपसे बोलूं यहां पे मेरे पास एक वेज है ऐसा, थोड़ा टफ कर दें क्या, नीट वीट में उतना आता नहीं है, मतलब फिर भी देखो, मान लो कि ऐसा सिस्टम है, कैसा है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा, ठीक है, ऐसा वेज टाइप का आइटम रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है भाई साहब, एक स्मूथ सरफेस पे, कहां रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, वक्त भी अराउंड एक घंटा होने आया है, कोई बात नहीं, एक सवाल बनाते हैं, मान लो कि इसका मास कितना है, मान लो कि इसका मास कुछ भी मान लो यार 8 kg मान लीजिए, कितना 8 kg मान लीजिए, और इसके ऊपर अपन ने क्या किया है, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया है, मान लो कि कितने केजी का, 4 kg का, ठीक है, 4 kg का, ठीक है। अच्छा, मैंने ये वाले ब्लॉक को रफ्तार दे दी इधर की तरफ 10 m/s ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए छोड़ा है, और ये स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें, कितनी हाइट पे जाएगा ये ऊपर, कितनी हाइट पे ये ऊपर जाएगा, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये इधर आएगा डर, आपसे कुछ पूछा जाए कि ये वाली ये बहुत ही ऊपर तक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय 4 kg, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दिस 4 kg वाला ब्लॉक, आपको कोई बोले कि ये 4 kg वाले ब्लॉक ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की होगी, मैंने कहा डर ऐसे आ रहा होगा। अच्छा यहां बताइए सेंट्रल मास की रफ्तार क्या होगी, आप बोले सॉफ 4 × 10 प्लस 8 × 0 डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो यहां 10/3 m/s की रफ्तार सेंटर ऑफ मास की है, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल में अगर आप 4 kg और 8 kg को दोनों को सिस्टम ले लेंगे तो कोई फोर्स आने वाला नहीं है, वर्टिकल में आएगा क्या, मैंने कहा आएगा, थोड़े टाइम बाद में डर ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, यहां पे आएगा ये इसको धक्का लगाएगा, यानी कि ये पूरा कार्यक्रम जो है ये पूरा कार्यक्रम अब मूव करने लगेगा। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें, अच्छा ये ऊपर भी चलता रहेगा, ये ऊपर जा रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, आगे तो भाई साहब जो रफ्तार भी इसकी होगी वही इसकी होगी, तभी तो टच में रहेगा, ऊपर ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसकी रफ्तार जीरो नहीं हो जाए, तब तक इसकी रफ्तार क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लो कि इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है ये आपका एच मैक्स है, ये आपका क्या है, एच मैक्स है, इसकी वर्टिकल में रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, मैंने कहा नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो क्या होना चाहिए, PI = P final होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PI = P final होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। PI क्या था, मैंने कहा 4 × ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने, 4 × 10 + 8 × 0 = क्या होगा, ये निकाल, ये है आपका 4 kg, ये है आपका 8 kg, पूरा का पूरा 12 kg की रफ्तार v हो गई है इधर की तरफ। ओके, v की वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू आ रही है आपकी 40 / 12 है, तो ये आपका 10 से काट लीजिए तो 10/3 m/s, यानी कि दोनों लोग जो है यहाँ पे 10/3 यानी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार से ही उधर की तरफ जाने लगे। सवाल ये था कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैंने कहा ये तो आपकी फाइनल रफ्तार होगी टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर क्या होगा, फिर मैंने कहा ये अब नीचे आने लग जाएगा, ये अब नीचे आने लग जाएगा। अच्छा सेंटर ऑफ मास हमें ये पूछा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैंने कहा एक चीज और यूज कर ले, एक क्या करे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर, थोड़ा टफ सवाल कर दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया क्योंकि बाकी वाले तो आप कर ही लोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अगर यूज करेंगे, क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे सारे नॉन कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन वगैरह कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी कहाँ तब्दील हुई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, थोड़ी कम हुई, थोड़ी मतलब वो कम हुई होगी, और वो कहाँ चली गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, पहले आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैंने कहा 1/2 4 × 10 का स्क्वायर
प्लस, मैंने कहा जीरो भैया, इसकी कुछ नहीं थी। बाद की क्या है, बाद की अगर आप ध्यान से देखें, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, अब पूरा का पूरा जो 12 kg है वो 12 kg कितनी रफ्तार से जा रहा है, 10/3 की रफ्तार से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैंने कहा बिल्कुल जा रहा है। तो ये इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, इजिकल टू क्या होना चाहिए, mgh। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, 4 kg की चेंज हो रही है, यानी एम जी एच मैक्सिमम। क्या सॉल्व करके एच मैक्स आ जाएगा, क्या सॉल्व करके एच मैक्स पता किया जा सकता है? का बिल्कुल पता किया जा सकता है, बिल्कुल पता किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में गए अपन, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आप थोड़े होना बच्चे, थोड़ा बहुत टफ, थोड़ा टफ सवाल भी आ जाए नीट में आप कर लेंगे, आपके मतलब बहुत आसान आसान से सवाल आएंगे। और आप वैसे सवाल आप प्रीवियस ईयर सारे सोल्व कर डालिए, सारे प्रीवियस ईयर सोल्व कर डालिए, 2020, 2019, 2018, 32-33 ईयर्स का जो भी कार्यक्रम अवेलेबल है सब आप सॉल्व कर डालिए, आप बड़ी आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। और बुकलेट पुराना जो सॉल्व किया है वो कीजिएगा, रिवीजन डीपीपी और दोनों जो बुकलेट दी है उसको सॉल्व कीजिएगा। और टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, प्रीवियस 1-2 टेस्ट से हम लोग देख रहे हैं नंबर में इधर उधर हो रहा है आपका, तो आप उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि जो टेस्ट हो रहे हैं फुल सिलेबस के या जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं इसमें आपके स्कोर अच्छा आना चाहिए। आप ट्राई कीजिए कि टेस्ट यानी कि पिछले टेस्ट में जो भी आया है उसे नेक्स्ट वाले टेस्ट में उससे तो बेहतर आए। जो गलतियां, जो मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक्स आपने पुराने टेस्ट में की थी या जो टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे, ऐसा रिपीट ना हो, नेक्स्ट वाले टेस्ट में आप उससे अच्छा करें, है ना। अच्छा भाई साहब, एक लड़का था जेएनवी पुणे का, है मतलब आईआईटी, उसने एम्स दिल्ली में है अभी, जैसे अजय कुमार, तो उसने क्या बताया कि उसने बहुत टेस्ट में अपने उससे मिस्टेक हो जाती थी या वो ऐसा ही करता था, वो अपनी है ना मिस्टेक्स को डायरी में लिखता रहता था, जेएनवी पुणे का बालक डायरी में ऐसे लिखता रहता था कि अच्छा ये टेस्ट में ये मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक हुआ। वो मतलब टेस्ट के बाद बता रहा था कि शायद उससे कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई है ना, तो 700 प्लस उसने नंबर प्राप्त किए 720 में से, अंडर 100 उसको रैंक आई ऑल इंडिया कैटेगरी में, यानी जनरल कैटेगरी में, तो एम्स दिल्ली में गया, अपने जेएनवी पुणे का ही बालक है, अपना ही स्टूडेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके नंबर पहले कम नहीं आते थे या उससे मिस्टेक्स नहीं होती थी, मिस्टेक उससे भी होती थी, सिली मिस्टेक उससे भी होती, धीरे धीरे टेस्ट दर टेस्ट उसने टेस्ट का मतलब जो सही उपयोग है, सदुपयोग उसने किया, टेस्ट दर टेस्ट जो गलतियां उससे हो रही थी उसने उसको मिनिमाइज किया, उसको मिनिमाइज किया और थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया कि उसे कोई भी सिली मिस्टेक लास्ट एग्जाम में नहीं हुई। तो खैर, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, भगवान आपके साथ में रहेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपन दोबारा अगले वाले 1-2 लेक्चर्स में, अपन खूब डेप्थ में बातें करने वाले हैं, खूब सारे प्रीवियस ईयर के सवाल भी देखेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल मतलब हर साल आते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इनकी जितने भी सवाल मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, बिल्कुल मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कोई बोले रोटेशन बहुत टफ है, अबे नीट में नहीं आता ऐसा कुछ भी, बहुत इजी आता है आपके लिए, मतलब बिल्कुल बहुत आसान है, कोई दोहराई वाली बात इसमें नहीं है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मास्टर चलता है फाइनली, जय जय भारत, टेक केयर, बाय।